मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है दिन सैटरडे और आज है मेरा फास्ट, त्रयोदशी का फास्ट है मेरा। तो मैं बनाने आई हूँ लंच, लेकिन उससे पहले अपने लिए कुछ जो है फ्रूट्स कट करने आई हूँ, क्योंकि अभी मैंने सारे काम वगैरह कर लिए हैं। लंच का टाइम हो चुका है, पर पहले कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है लंच बनाऊंगी बाकी लोगों के लिए। मेरा तो फास्ट है तो मैं अपने लिए फ्रूट्स। और यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स कट कर रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिए तो मैंने थोड़े से ही कट किए, और बाकी मैंने बाकी लोगों के लिए भी कट कर दिए साथ में ही। नित्या गई हुई है बाहर, लेकिन मैंने ना यहाँ पे उसके लिए भी कुछ फ्रूट्स कट करके रख दिए। माशू को मैंने सुबह ना उपमा खिलाया था, ये प्लेन ही था, मतलब सिर्फ सूजी में थोड़े बहुत बिल्कुल मिनिमम से मैंने जो मसाले वगैरह रोस्ट करके डाल दिए थे, तो वो खिलाया था मैंने। और अब मैं जो है उसको थोड़े से मेरे साथ में फ्रूट्स भी खिला दूंगी। तो बिल्कुल ही मतलब ना एकदम छोटा छोटा मैं उसके मुंह में से मतलब वाटरमेलन डाल दे रही हूँ ना, तो वो खा ले रही है। तो यहाँ पे उसको कोई ऐसे इसका प्योरे बना के जूस बना के नहीं दिया मैंने, ऐसे ही छोटा छोटा दिया, तो वो चुई कर ले रही है। वैसे उसके भी दांत नहीं आए हैं, पर वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ना खा लेती है, बिल्कुल ही छोटा छोटा देने से खा लेती है। पपाया भी देती हूँ ना मैं बिल्कुल ही ऐसे छोटा छोटा, तो वो भी खा लेती है। तो बस थोड़ा सा मैं उसके साथ जो है टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और नित्या अपने डैडी के साथ अपनी ड्रेस लेने गई है बाहर, उसकी ड्रेस हमने दी थी स्कूल ड्रेस सिलने के लिए, काफ़ी दिन हो गए। तो वो और आजकल माशू जो है वो अपने घुटनों के साथ में चलने लगी है, मतलब ऐसे चार पैर पे जो बोलते हैं ना वो चलने लगी है, तो पूरा घर जो है ऐसे फैला के रख देती है। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ सामान इधर उधर फैला दिया, मैट को भी इधर उधर शिफ्ट कर दिया उसने। तो अब मेरा जो है थोड़ा काम जो है ज़्यादा बढ़ गया है माशू की वजह से। यहाँ पर मैंने उसको जो है खेलने के लिए ऐसे बिठाया है कि ताकि मैं कुछ और काम कर लूँ, लंच बनाने के लिए मैं जा रही थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ लंच, सैटरडे था तो सोचा मैंने खिचड़ी बना देती हूँ मैं बाकी लोगों के लिए, और मेरे हस्बैंड को तो खिचड़ी ना पसंद भी है मतलब। तो बस मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी मैं सिंपल सी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है एक्चुअली में। तो यहाँ पे मैं दही रखा था ना रात को, तो बस थोड़ा सा जामुन मैं उसका निकाल ले रही हूँ, बाकी दही जो मैंने वापस से फ्रिज में रख दिया है। और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी। मेरे हस्बैंड और नित्या आ गए थे, तो वो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर आए थे, तो वही बस मैं जो थोड़ा सा पहले अरेंज कर ले रही हूँ। मुझे ना खिचड़ी वैसे ज़्यादा ना पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड के साथ रहते रहते मैं जो है खाने लगी, तो मुझे अच्छा लगने लगा है। वैसे सर्दियों में जो खिचड़ी बनती है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उस वक्त जो है सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश होती हैं, गोभी मटर वगैरह, तो वो सब डाल के जो है स्वादिष्ट ही अलग आता है उनका। और यहाँ पर तो फिलहाल गर्मियों में इतनी सब्ज़ियाँ मिलती नहीं। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया सी खिचड़ी बनी थी। एक्चुअली में ये मूंग दाल की खिचड़ी जो है ना बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी बनती है। तो सैटरडे था तो इजी में मैंने यही बना दिया, और मेरे हस्बैंड का ऐसा रहता भी है फास्ट है तो थोड़ा रेस्ट ही करो, इतना ज़्यादा कुकिंग में मत लगे रहो। तो यहाँ पर मैंने माशू के लिए थोड़ा सा पहले निकाल दिया सिर्फ, मतलब जो खिचड़ी मैंने बिल्कुल ही प्लेन सी, उसके बाद मैंने मसाला वगैरह कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरी माशू को अब वो कहाँ कहाँ जाने लगी है, बहुत मतलब ज़्यादा ही उसकी शैतानी होने लगी है, क्योंकि अब वो ऐसे पैरों पे मतलब घुटनों पे चलने लगी है ना, तो बस कहीं भी पहुँच जाती है। यहाँ पे बस इसकी नित्या की बुक्स रखी रहती है, तो उसका बैग गिरा देगी, बुक्स उसकी गिरा देगी, तो अभी उसकी शैतानियाँ बढ़ गई है, मस्ती उसकी पूरी अभी बढ़ गई है। तो मैं थोड़ा भी इधर उधर रहती हूँ तो उसका इधर उधर शैतानी चलने लगता है। यह है इवनिंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में वापस, तो बर्तन वगैरह मैं रख करके गई थी, पहले सोचा मैंने वो अरेंज कर लेती हूँ मैं। और मैंने फ्रूट्स ही खाया था बस उतना ही, और मैंने उसके बाद कर्ड वगैरह ले लिया था, तो बस मेरा हो गया था। और मैं अब सीधा जो है डिनर में कुछ खा लूँगी, तो फास्टिंग था तो मैं ज़्यादा इतना खाने पर फोकस भी नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही मतलब फील रहना चाहिए कि हाँ फास्ट में थे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ माशू के लिए बनाने के लिए सेरेलेक्स, तो इवनिंग में मैं उसको फीड करती हूँ सेरेलेक्स, और वो उठ गई है, वो सो रही थी पर वो उठ गई, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उसके लिए जो है सेरेलेक्स बना लेती हूँ।
और यहाँ मिल लीजिए मेरी माशू से। और उसको मैंने फीड करा दिया, सेरेलैक्स मैंने उसको जो है अच्छे से खिला दिया। और अब मैं जो है नित्या के लिए जो है मिल्क बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि वो भी जो है उठने के बाद शाम को मिल्क पीती है। तो उसने आज जो है दोपहर में, वैसे मैं उसको जो है ऐसे बनाना वगैरह या कोई भी फ्रूट्स दे देती हूँ, तो उसने आज वाटरमेलन वगैरह सब खाया था। तो शाम को उसने जो बनाना लिया, बनाना उसका फेवरेट है, उसको एवरी डे चाहिए उसको ये फ्रूट। तो उसको जो है शाम को उसको क्रेविंग हुई कि मैंने तो आज पूरे दिन में बनाना खाया ही नहीं। तो उसने फिर पहले इवनिंग में बनाना खाया, फिर उसने मिल्क लिया। तो आप फास्ट करो या कुछ भी करो, होम मेकर्स के काम कभी ख़त्म नहीं होते, बच्चों के पीछे या घर के काम कभी बंद नहीं होते। काम पूरे दिन ही मेरा चलते रहता है, जो है थोड़ा बहुत चलते ही रहता है। और ऐसे दोपहर में ना नींद भी नहीं आती है मुझे, तो अभी माशू थोड़ा डिस्टर्ब भी करती है कभी कभी। और मैंने सबको जो है थोड़ा बहुत शाम का स्नैक्स वगैरह दे दिया। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे अपने लिए साबूदाना सबसे पहले थोड़ा सा सोक कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है डिनर में अपने लिए बना लूँगी। वैसे ना मुझे ऐसे कुछ खाने का मन नहीं करता, अगर आप फास्टिंग पे हो तो कोई ऐसे ऐसे फ्रूट्स खा खा के मन नहीं करेगा आपको पूरे दिन में। तो बस थोड़ा मैं अभी फ्रूट्स खाने के मन में नहीं थी, कुछ और भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं मैं साबूदाना खा लेती हूँ तो नींद अच्छी आ जाएगी, वरना नींद भी नहीं आएगी। तो ये मैंने सोक कर दिया है, एक दो घंटे बाद ये सोक हो जाएगा, तो मैं साबूदाना जो है बना लूँगी। और अपने लिए अभी थोड़ा सा स्नैक्स बनाऊँगी सबसे पहले मैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ मखाने और पीनट रोस्ट कर लिए थोड़े घी में, क्योंकि मैं ये खाने वाली थी और नित्या को भी बहुत पसंद है, और ये बहुत ही हेल्दी भी है, बच्चों को भी आप दे दो। मैं तो ना थोड़े बहुत ऐसे मिल्क में इसको सोक कर देती हूँ मखाने को, तो मैं माशू को भी खिला देती हूँ, वो भी खा लेती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हेल्दी बहुत है ना ये, तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए आज स्नैक्स में लिया। तो यहाँ पे हम सब ने स्नैक्स ले लिया। उसके बाद में मैंने माशू को जो है रेडी कर दिया है और कुछ टॉयज़ दे दिए, मतलब मैं उसको जो है शाम को भी मालिश वगैरह करती हूँ। तो वो सब करने के बाद, फीड करने के बाद, मैंने उसको जो ऐसे बिठा दिया है खेलने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है साबूदाना बनाऊँगी, ये अच्छे से सोक हो गए थे, क्योंकि मैं जो है डिनर बनाऊंगी तो उसमें कुछ नमक वगैरह मैं बनाऊंगी, सब्जी ये सब। तो अपने लिए जो है पहले ये फास्टिंग का बना के मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये मीठा बनाऊंगी। हमारे घर में जो है सेंधा नमक वगैरह कुछ नहीं चलता है फास्टिंग में, मतलब प्रॉपर मीठा ही आपको खाना है, मीठा यानी फ्रूट रिलेटेड। तो साबूदाना आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है साबूदाना बना लिया है। तो ये देखिए साबूदाना, इसमें अच्छे से मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे और बहुत ही टेस्टी था, सभी को अच्छा भी लगा था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ चपाती, और एक सिंपल सी सब्ज़ी मैंने बना दी थी बाकी लोगों के लिए, और अपने लिए जो है पहले उधर साइड कर दिया बना के, क्योंकि मैं गैस वगैरह धुला हुआ था ना इवनिंग से ही, तो मैंने पहले अपने लिए बना के हटा लिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बाकी बना ले रही हूँ, क्योंकि नमक बनने वाला था तो मैं साइड में रख दी पहले ही बना के। तो ये है खीर, इसमें थोड़े बहुत मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, शुगर कम डालने से ये बहुत अच्छा स्वाद देगा। बस और नेक्स्ट डे जो है हो गई सबकी तबीयत ख़राब, और तबीयत ख़राब इन द सेंस मेरे बच्चों को पता नहीं क्या, सुबह सुबह ही माशू को तो ना रात से ही कोल्ड था, बहुत ही हैवी कोल्ड था। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही ना, मतलब 7 बजे ही जैसे मेरे हस्बैंड जो है हम तीनों को लेकर के गए हॉस्पिटल माशू को दिखाने के लिए, लेकिन शाम होते होते नित्या की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो संडे था उस दिन और बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं बीता। हॉस्पिटल से आने के बाद घर पूरा ऐसे फैला हुआ ही था, मैं सिर्फ झाड़ू लगा के नाश्ता वगैरह बना करके चली गई थी जल्दी में बच्चों को लेकर के। और घर आने के बाद फिर मैंने सब क्लीन किया और नित्या को नहला दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह उसको मैंने जो है दे दिया नित्या को। और माशू जो है वो सो रही थी, तो मैंने उसके आसपास की जगह जो है ऐसे ही रहने दी, समेटी, ज़्यादा उसको तंग नहीं किया, सोने दिया, क्योंकि उसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। शाम को नित्या की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा ही ना उसको फ़ीवर आ गया था, और मंडे दो दिन मतलब ट्यूज़डे तक उसको लिटरली फ़ीवर रहा। तो इसलिए जो है मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी मतलब कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। ये मैंने बना के रखा था, इसको भी एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चों में लगी हुई थी मैं पूरे तरह से,
बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी मन नहीं लगता है, काम में भी मन नहीं लगता है, और कुछ भी मतलब आप काम करना भी नहीं चाहोगे, खाना बनाना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बच्चे ही बीमार है तो। और यहाँ पे मैं और नित्या कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और मेरे हस्बैंड का आज ऑफिस था संडे को भी, तो अब तो चलो सब हेल्दी हो गए, सब ठीक हो गए। मुझे भी थोड़ी सी ना वीकनेस आ गई थी, मैंने हफ्ते में 2 फास्टिंग रख ली थी, और मैं नेक्स्ट मंडे मतलब जो है सैटरडे फास्टिंग रखने के बाद मंडे भी मैं सोच रही थी फास्टिंग रखने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और बाकी काम भी रहते हैं, तो खुद को भी।